एक ऐसा चैनल आइडिया जिसमें ना फेस दिखाना हो ना ही वॉइस यूज करनी पड़े और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के फ्री में अपने फोन से रन कर सके, साथ ही उसमें अर्निंग यानी आरपीएम हाई हो बट उसे करना इजी हो। सो अगर आप भी ऐसा ही चैनल आइडिया ढूंढ रहे हो देन ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक चैनल आइडिया के बारे में जानेंगे जो अभी लगभग सीक्रेट ही है। यूट्यूब पर भी मुझे ऐसा एक ही चैनल दिखा जो फॉरेन में था और इनके सब्सक्राइबर्स और अर्निंग आप यहाँ देख सकते हो। सो हम इनके जैसे ही वीडियो बनाएंगे बट इनसे कम एफर्ट में, बिकॉज वी आर जेन जी और हमें एआई टूल्स को यूज़ करना आता है। सो अब इसके बारे में ज़्यादा ना बताकर सीधा बढ़ते हैं अपने स्टेप्स की ओर। सो स्टेप नंबर वन, तो फर्स्ट स्टेप में हमें आ जाना है चैट जीपीटी में। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम ये प्रॉम्प्ट लिखेंगे जिसमें हम इसे अपने चैनल के बारे में बताएंगे और इससे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम जनरेट करवाएंगे। अब यहाँ आपको प्रॉम्प्ट की चिंता नहीं करनी है, सारे प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाएंगे, आपको इन्हें बस कॉपी पेस्ट करना है। सो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम जनरेट करने के बाद अब हम अपनी फर्स्ट वीडियो के लिए कोई एक फ्रूट या वेजिटेबल का नाम चूज़ करेंगे, लाइक मैं अभी एप्पल ले रहा हूँ। सो इसके बाद हम सेकेंड प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करेंगे जिसमें हम एप्पल के ऊपर एक सॉन्ग जनरेट कराएंगे। ऐसे सॉन्ग जनरेट करने के लिए हमें बस ये प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करना है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको बस यहाँ एप्पल की जगह कोई और नाम लिख देना है जिस पर आप सॉन्ग जनरेट कराना चाहते हो। सो इसने परफेक्ट सॉन्ग जनरेट कर दिया। नाउ साथ ही में हम इस सॉन्ग के लिए म्यूजिक टाइप भी जनरेट करा लेंगे। अब ये क्या है और क्यों करना है ये आपको आगे पता चल जाएगा। सो ये सॉन्ग हमने इंग्लिश में जनरेट कराया है बिकॉज इसमें आरपीएम हाई रहेगा, बट अगर आपको हिंदी या किसी और लैंग्वेज में जनरेट कराना है तो प्रॉम्प्ट के आगे बस ये लिख देना और ये हिंदी में भी सॉन्ग जनरेट कर देगा। नाउ हमारा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो चुका है जिसमें हमें बस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करना था। सो अब आ जाते हैं स्टेप नंबर टू पर। तो इस स्टेप में हमें एप्पल की इमेज बनानी है जिसमें उसका हाथ पैर और फेस भी होगा जिसे हम बाद में एनिमेट करेंगे, बट उसमें हमें कुछ नहीं करना होगा, सारा काम एआई करेगा। तो एप्पल के कैरेक्टर के लिए आप कैनवा का यूज़ कर सकते हो बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लगाएंगे अपना जेएनजी वाला दिमाग और इसके लिए यूज़ करेंगे बींग एआई टूल का। सो इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बस अकाउंट बनाकर यहाँ आ जाना है। अब यहाँ भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर देना है और ये आपको ऐसी इमेज दे देगा जिसे कैनवा से बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। सो नाउ हमें इन पर क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर लेना है। बींग में हमें पर डे 15 क्रेडिट्स मिलते हैं जिससे हम 15 बार इमेज जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वाटरमार्क के। सो इसी तरह आप और भी इमेज जनरेट कर सकते हो, बस यहाँ एप्पल की जगह कोई और नाम लिख देना, लाइक बनाना। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोशिश करना ऐसे कैरेक्टर डाउनलोड करने की जिसमें वाइट कलर का यूज ना हुआ हो। अब इसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा, बट अभी के लिए स्टेप टू बस इतना ही था जिसमें हमें प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करके इमेज जनरेट करना है। सो नाउ हम आ जाएंगे स्टेप नंबर थ्री में। तो इस स्टेप में हमने जो कैरेक्टर जनरेट कराया था उसे एनिमेशन में बदलेंगे। सो ये करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए हम एक एआई टूल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है एनिमेटेड ड्राइंग्स। इसका यूआरएल आप यहाँ देख सकते हो, बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। सो इसे यूज़ करना बहुत ईजी है, हमें बस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, देन अपलोड फोटो पर क्लिक करके अपना इमेज अपलोड कर देना है। अब अगर बाई चांस आप में इमेज नहीं सो रहा हो तो सिंपली गैलरी में जाके इसे रीनेम कर देंगे जिसमें जेपीईजी की जगह पीएनजी लिखकर यस कर देना है। नाउ इमेज अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, देन एग्री। अब यहाँ हमें इमेज को अच्छे से बॉक्स में फिट कर लेना है, देन नेक्स्ट। अब यहाँ हमें अपने कैरेक्टर का वो पार्ट हाईलाइट करना है जिसे हम एनिमेट करना चाहते हैं और उसे इरेज करना है जिसे एनिमेट नहीं करना चाहते। सो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देता है, बट जहाँ जहाँ गड़बड़ लगे उसे फिक्स कर देंगे। लाइक अभी यहाँ ये अनवांटेड पार्ट भी हाईलाइट है जिसकी वजह से एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो इसमें ये भी आ गया। सो हमें इसे सिंपली इरेज कर देना है। देन नेक्स्ट। नाउ कैरेक्टर में एनिमेशन के लिए जॉइंट्स आ जाएंगे, तो हमें बस यहाँ दिख रहा है रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसे सेट कर देना है। वैसे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, बट अगर कोई जॉइंट्स इधर उधर हो तो उसे इसके जैसा कर देना। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और हमारा एनिमेशन बन गया। यहाँ आपको लगभग 30 अलग अलग तरह के एनिमेशन मिल जाएंगे जो आप अपने कैरेक्टर में यूज़ कर सकते हो। सो हमें बस इन पर क्लिक करना है और वो एनिमेशन हमारे कैरेक्टर में अप्लाई हो जाएगा। नाउ उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, देन थ्री डॉट्स पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। इसमें अभी के लिए हम बिल्कुल फ्री में एनिमेशन बना सकते हैं, वो भी बिना किसी वाटरमार्क के। सो इसी तरह आपको अलग अलग एनिमेशन बनाकर डाउनलोड कर लेना है।
अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, हमारे कैरेक्टर का बैकग्राउंड कलर कैसा भी हो, यहाँ से एनिमेशन बनाने के बाद वो वाइट हो जाता है। सो बैकग्राउंड वाइट हो जाना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कैरेक्टर में भी वाइट कलर होगा तो क्रोमा की से इसे रिमूव करते टाइम बैकग्राउंड के साथ साथ कैरेक्टर से भी वाइट कलर रिमूव हो जाएगा, जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने बोला था ऐसे कैरेक्टर लेना जिसमें वाइट कलर ना हो, बट अगर वाइट कलर आ रहा है तो भी हम इसका बैकग्राउंड परफेक्टली रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हम आ जाएंगे इसी आई टूल में, नाउ सिंपली अपलोड क्लिप पर क्लिक करके अपना वीडियो अपलोड कर देंगे। अब ये कुछ ही देर में वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। नाउ डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। सो स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें अपने कैरेक्टर में एनिमेशन देकर उसका बैकग्राउंड रिमूव करना था। सो नाउ हम पहुँच गए अपने 4th स्टेप में। इस स्टेप में हमने चैट जीपीटी से जो सॉन्ग जनरेट कराया था उसे रियल सॉन्ग में बदलेंगे। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सुनो एआई का। इसका ट्यूटोरियल मैं कई बार दे चुका हूँ, बट अगर आप सुनो के बारे में पहली बार सुन रहे हो तो पहले ये वीडियो देख सकते हो जिसमें इसका फुल ट्यूटोरियल है। बाकी अभी मैं इसे डिस्कॉर्ड में यूज़ कर रहा हूँ। तो सॉन्ग जनरेट करने के लिए टाइप करेंगे /chirp, देन इंटर कर देंगे, जिसके बाद ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हमने जो चैट जीपीटी से सॉन्ग जनरेट कराया था उसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे। देन म्यूजिक टाइप में भी इस सॉन्ग के लिए जो म्यूजिक टाइप हमने चैट जीपीटी से जनरेट कराया था उसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब ये कुछ ही टाइम में इसे सॉन्ग में बदल देगा। सो ये जनरेट हो चुका है, यहाँ क्लिक करके इसे देख सकते हैं। सो इसने 2 वर्जन जनरेट किया है, तो इन्हें प्ले करके देखते हैं। अब अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो यहाँ से रीजनरेट भी कर सकते हो, इसमें हमें बस सबमिट पर क्लिक करना होगा और ये रीजनरेट हो गया। तो इन्हें भी प्ले करके देख लेते हैं। So now यहाँ क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह आप हिंदी या किसी और लैंग्वेज में भी सॉन्ग जनरेट कर सकते हो। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये वीडियो देख सकते हो। सो 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नाउ हमारा लास्ट और 5th स्टेप है एडिटिंग। सो हमने सॉन्ग जनरेट किया, कैरेक्टर बनाए, उसे एनिमेट किया और अब बारी है सॉन्ग और एनिमेशन को एक साथ जोड़ने की। सो एडिटिंग आप अपनी क्रिएटिविटी और स्किल के अकॉर्डिंग जैसी मर्जी वैसी कर सकते हो, बट अगर मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल दूँ तो सबसे पहले आपको कलरफुल बैकग्राउंड डाउनलोड करने हैं जो आप इंटरनेट से ईजिली कर सकते हो। इसमें आपको ऐसा कुछ सर्च करना है, इसके बाद कई सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे तो बस इन्हें डाउनलोड करते जाना है, बट कोशिश करना ऐसे सिंपल बैकग्राउंड से डाउनलोड करने की। सो इसके बाद और भी चीज़ें ऐड करना चाहो तो यूट्यूब से ग्रीन स्क्रीन डिस्को लाइट डाउनलोड कर सकते हो। सो ये सब डाउनलोड करने के बाद किसी भी एडिटिंग ऐप या सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले सॉन्ग ऐड करेंगे, देन इसकी ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। इसके बाद बैकग्राउंड ऐड करेंगे, देन एनिमेशन ऐड करेंगे, इसके बाद लाइटिंग ओवरले भी ऐड कर लेंगे और ब्लेंड में जाके इसे स्क्रीन पर कर देंगे, जिसके बाद वीडियो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें आपको बस कट्स लगाकर बैकग्राउंड और एनिमेशन चेंज करना है जिससे ये थोड़ा एंगेजिंग लगे। साथ ही इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर देंगे, जिसके बाद फाइनल वीडियो कुछ ऐसा दिखेगा। In the orchard red and round, apple grows safe and sound. Juicy, sweet, a tasty treat. Eating one is such a feat. Apple shiny and bright, keeps us healthy day and night. Full of vitamins so divine, makes us strong, makes us shine. Crunchy bite with every chew, gives us energy, it's true. Fiber helps our tummies feel, apple's magic a healthy deal. Apple shiny and bright, keeps us healthy day and night. Full of vitamins so divine, makes us strong, makes us shine. अब जरूरी नहीं कि आप सेम रेटिंग ही करो, थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम देना चाहते हो। सो अगर मैं सारी चीज़ें समराइज़ करूँ तो सबसे पहले आपको किसी एक फ्रूट, वेजिटेबल, एनिमल या आसपास की कोई भी चीज़ चूज करनी है, देन चैट जीपीटी से उस पर सॉन्ग और म्यूजिक टाइप जनरेट कराना है। इसके बाद बींग एआई टूल से अपना कैरेक्टर बनाना है, देन एनिमेटेड ड्राइंग से उसे एनिमेट करना है और अगर ज़रूरत हो तो अनस्क्रीन से बैकग्राउंड रिमूव करना है। उसके बाद स्नो एआई से एक्चुअल सॉन्ग जनरेट करना है और लास्ट में इन सबको एक साथ एडिट कर देना है। सो इस वीडियो में यूज ये सारे प्रॉम्प्ट्स और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी ऐसे और भी यूनिक चैलेंज आइडियाज़ के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो या ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो।